الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربيع الأول کا बाबरकत महीना शुरू हो चुका है और हुजूर नबी अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत भी रबीउल अव्वल के महीना में है और वफात भी रबीउल अव्वल के महीना में है। इस मुनासबत से आमतौर पर जुमा के बयानात में उलमाए किराम का मौजू हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा होता है। सीरत तय्यबा का उन्वान और मौजू ये बहुत वसी है, इसके बेशुमार पहलू हैं। इंशाअल्लाह ताला अगले मुसलसल जमात में सीरत बयान की जाएगी। आज भी सीरत तय्यबा के हवाले से एक पहलू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आपकी सीरत का जिक्र करूँगा। जितने भी नबी इस कायनात में आए सारे के सारे अपने दावा नबूवत में सच्चे थे, उन पर उतरने वाले जितनी भी किताबें सहीफे और वही थी सारी के सारी वो भी सच्ची थी। अल्लाह पाक ने वक्त के पैगंबर की नबूवत और रिसालत को इंसानियत से मनवाने के लिए बेशुमार दराइल पराहीन जिक्र फरमाए और हालात वाक़ियात से भी वक़्त के पैगंबर की नबूवत को साबित किया, जिसकी वजह से वक़्त के पैगंबर को लोग नबी और रसूल तस्लीम करने लगे। नबूवत और रिसालत की सदाकत के पहलुओं में से एक पहलू ये भी है कि वक़्त का पैगंबर किसी के हक में दुआ करे तो अल्लाह तबारक व तआला वक़्त के पैगंबर की दुआओं को कबूल फरमाते हैं। अगर किसी खास सबब की वजह से बद दुआ करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसको भी कबूल फरमाते हैं और बद दुआ भी अपने वक़्त पर सच साबित होती है। और ये आलमी मेयार है,
किसी नबी के नबूवत के सच्चा होने का, कि अल्लाह पाक सच्चे नबी की दुआओं को कबूल करते हैं। हमारे आका हजरत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत की सदाकत के जहां और बहुत सारे पहलू हैं और कई तरह के दलाइल से आपकी नबूवत और रिसालत साबित है, तो इस पहलू से भी आपकी नबूवत और रिसालत की सदाकत साबित होती है कि आपने किसी खास फर्द के बारे में, किसी खास शख्स के बारे में, किसी कौम के बारे में, किसी जमात के बारे में दुआएं की हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कबूल फरमाया है। बेशुमार वाक़यात हैं जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में पेश आए हैं और ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया है वसल्लि अलैहिम, आप इनके हक में दुआएं कीजिए, इन्ना सलातक सकनन लहुम, आपकी दुआएं मोमिनीन के लिए सुकून का बायस है। तो हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए मुख्तलिफ दुआएं फरमाते रहे, बहुत वाक़यात हैं। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हक में दुआ की कि अल्लाह उमर बिन हिशाम में से या उमर बिन ख़त्ताब में से किसी एक को ईमान की दौलत से सरफराज फरमा। चूँकि दोनों अरब में, कुरैश में, मक्का वालों में वजाहत वाले थे, रौब वाले थे, दबदबे वाले थे, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है कि अमर बिन हिशाम में से और उमर बिन ख़त्ताब में से या अल्लाह किसी को ईमान की तौफीक नसीब फरमा। अगले दिन ही इसका सबब पेश आ गया, कुफ़ारे मक्का ने हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने का इरादा कर लिया। मशवरे में तय पाया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के लिए जाएंगे। मशहूर वाक्य साहब ने सुना हुआ है कि आप जा रहे थे कि रस्ते में एक सहाबी मिले तो पूछा कहाँ जा रहे हो, कहा कि नौज़ुबिल्लाह मोहम्मद को कतर करने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, बाप दादा का दीन छोड़ चुका है और मैं अपने घर की तो पहले खबर लो। वो खुद हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए हैं, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बने है तो गुस्सा आया, इसी गुस्से की हालत में पहले अपनी बहन के घर चले गए। तो दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाज़ा खुला तो अंदर दाखिल होते ही दोनों को मारना शुरू कर दिया, बहुत मारा। एक सहाबी रसूल इन दोनों हजरात को कुरान करीम सिखा रहे थे तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गुस्से को देखकर छुप गए। जब मार कर लहू लहान हो गए और अपनी बहन की इस्तेकामत को भी देखा कि वो भी फिर अपने मौक़िफ़ से हटने वाली नहीं है, तो फिर कहा लाओ दिखाओ तुम क्या पढ़ रहे थे। वाक्य मशहूर हमने सुना हुआ है। तो बहन ने कहा पहले आप पाक साफ हो जाएं, इस कुरान को पाक लोग हाथ लगाते हैं। गुसल किया, कुरान करीम की जब आयात सुनी तो दिल पे असर हुआ और कहा कि मुझे हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले जाओ। तो देखो आपने दुआ की है कि अल्लाह उमर बिन हिशाम में से, उमर बिन ख़त्ताब में से किसी एक को ईमान की दौलत से सरफराज फरमा। अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ को कबूल फरमा लिया और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ईमान की दौलत से सरफराज किया गया।
ये आपकी दुआएं हैं जो अल्लाह तबारक तआला कबूल फरमा रहे हैं। अगर किसी के हक में बददुआ की अल्लाह तबारक तआला ने उसको भी कबूल फरमाया। अबू लहब का बेटा था, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत नाज़ेबा गुफ्तगू करता था और आपकी नहायत तकलीफ का सबब था। एक दिन हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी ही ज़्यादा शान में गुस्ताखी की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बद दुआ की, या अल्लाह इस पर दरिंदों में से कोई दरिंदा या अल्लाह मुसल्लत कर दे। चुनाचे थोड़े ही अरसे बाद वो सफर पे गया। जब हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस बद्दुआ का उसको इल्म हुआ तो हर वक्त डरता था कि पता नहीं कब किस वक्त ये आपकी बद्दुआ जो है वो लग जाए और ये मामला हो जाए जिसके बारे में आपने कहा। इसलिए आमतौर पर बाहर नहीं निकलता था, लेकिन सफर का इरादा किया तो बाप ने अबू लहब ने आकर कहा, तुझे पता नहीं मोहम्मद ने तेरे बारे में क्या कहा है, तो क्यों सफर में जा रहा है? उसने कहा, जी मजबूरी है, भूखे थोड़ी मरना, कारोबार तो करना है। उसने कहा, फिर अपनी हिफाजत का इंतजाम करना। सफर पे निकल गया। जब रात को अंधेरा हुआ, एक जगह पड़ाव किया तो जो काफले में लोग शरीक थे उन्होंने खास तौर पे इसकी हिफाजत का इंतजाम किया। जहाँ इसने सोना था इर्द गिर्द ऊंट खड़े कर दिए, दरमियान से कोई चीज अंदर घुस न सके, और भी तरह तरह का सामान जो पास था वो उसके इर्द गिर्द जो है वो इस तरह खड़ा कर दिया, लगा दिया, जिस तरह के फौजी लोग बस औकात वो जहाँ ड्यूटी पर खड़े होते हैं तो रेत के तोड़े उन्होंने आगे लगाए हुए होते हैं या कोई और चीज़ अपनी हिफाजत के लिए छुपने के, इस तरह का मामला। उसकी हिफाजत का इंतज़ाम जो किया गया, अब कुफ्फार को भी यकीन था कि हुज़ूर ने बद्दुआ की तो कबूल ज़रूर होगी। जब रात का आखिरी पहर हुआ, एक दरिंदा उछलता और कूदता हुआ आया और उसने जानवरों को फलांगा और अंदर घुसा, उसको चीरता और फाड़ता हुआ निकल गया। तो हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उसके हक में बददुआ की थी कि अल्लाह दरिंदों में से कोई दरिंदा इस पर मुसल्लत कर दे, अल्लाह तबारक व तआला ने बददुआ को कबूल फरमाया और उसके साथ वही हुआ जो हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था। ये वक्त के पैगम्बर की दुआएँ हैं, अल्लाह पाक सच्चे नबी की दुआओं को कबूल फरमाता है। अल्लाहु अकबर। जंगे बदर के मौका पर हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े परेशान हैं। मुसलमानों की तादाद बड़ी थोड़ी थी, कुफार की तादाद तीन गुना से ज़ायद थी। इनके पास हथियार भी ना थे, वो हथियारों से भी लेस थे। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात अल्लाह पाक से दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह ये छोटी सी जमात है जो मेरे पास है, जो मैंने मेहनत से तैयार की है, या अल्लाह अगर ये ख़त्म हो गई इबादत करने वाला कोई नहीं रहेगा। हुज़ूर ने अल्लाह तबारक व तआला से मुसलमानों की कामयाबी की दुआएं की, कुफार की नाकामी की दुआएं की, तबाही और बर्बादी की बददुआएं की। अल्लाह तबारक व तआला ने शर्फ कबूलियत अता फरमाया। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग शुरू होने से पहले ही निशानदेही कर दी, कुफार में से इस जगह पर फलां काफर मारा जाएगा, इस जगह पर फलां मारा जाएगा, इस जगह पर फलां काफर मारा जाएगा। चनाचे ऐसा ही हुआ। जंगे बदर हुई, इधर 313 उधर 3 गुना से ज़्यादा। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले पेशगोई फरमा दी थी कि ऐसा होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं को कबूल फरमाया, मुसलमानों को अजीम कामयाबी अता फरमाई,
कि 70 कुफार कैदों के आए, 70 मारे गए, अबू जहल जैसे, उमैया बिन खलफ जैसे बड़े बड़े काफर वहां मारे गए। और जिस जगह पर जिस काफर के मरने की पेशगोई की गई थी उसी उसी जगह पर वो मुर्दार पाया गया। ये वक्त के पैगंबर की दुआएं हैं जो अल्लाह तबारक व तआला कबूल करता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साहबी रसूल हैं और ये उन सहाबा किराम में से हैं जो बहुत बाद में मुसलमान हुए, ग़ज़वा ख़ैबर के बाद मुसलमान हुए हैं। लेकिन अगर हदीस की कोई किताब भी उठाकर देखें तो हर वर्क ना हो तो कम से कम एक आध वर्क छोड़ के जो है ना हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अहदीस मरवी है। इतनी ज्यादा अहदीस को रवायत करने वाले ये सहाबी बहुत थोड़ा अरसा इन्होंने हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारा है, फिर इतनी अहदीस कैसे? उम्मत मुस्लिमा के सबसे बड़े मुहद्दिस हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। खुद अपने मुतल्लिक फरमाते हैं, मैं मुसलमान हुआ तो मैं हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर दरवाजे पे पड़ा रहता था, सुफा के चबूतरे पे पड़ा रहता था और इस इंतजार में होता था कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकले, कुछ फरमाएं तो मैं उसको फौरन याद कर लूं। और बस औकात कई कई दिन का फाका हो जाता था और फाके की वजह से बेहोश हो जाते थे। और खुद फरमाते हैं बेहोशी की वजह क्या थी? बेहोशी की वजह फाका ही, भूख थी। और भूख की वजह क्या थी? ये नहीं कि पैसे बिल्कुल नहीं थे, ये नहीं कि खाने के असबाब नहीं थे, बल्कि हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर इस वजह से पड़े रहते थे कि ऐसा ना हो मैं खाना खाने के लिए इधर उधर हूं, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकले, कुछ फरमाए मैं उसको याद ना रख सकूं, मैं उसको सुन ना सकूं। ये फाके इस वजह से आते थे। लोग कहते भी होश हो गए, लगता है उनको मिर्गी का दौर है। कोई कहता है उनको जूते सुंघाओ, कोई कहता है तो जो है वो फला करो फला करो, कहते कुछ नहीं था सिवाय भूख के। और भूख का सबब ये था, शौक बहुत था, शौक बहुत था इल्म दीन को हासिल करने का, लेकिन जहन कमजोर था, हाफ़ज़ा कमजोर था। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बात याद करता हूं, हाफजा बड़ा कमजोर है, याद नहीं रहते। तलब सच्ची थी, जहन कमजोर था। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक में दुआ फरमाई और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला को फरमाई ये चादर बिछाओ, चादर बिछाई गई। आपने इस तरह लप भर के यूं इस तरह चादर में डाला, इस तरह कोई चीज काफी सारी उठाकर उसमें डालते हैं, इस तरह यूं किया हूं। और फरमाया अबू हुरैरा इस चादर को उठाओ और सीने से लगा लो। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको सीने से लगा लिया। फरमाते उस दिन के बाद मेरा हाफ़ज़ा बड़ा कवी हो गया, बड़ा ताकतवर हो गया। मैं जो बात याद करता था अब मुझे भूलती नहीं थी। तो जितनी अहादीस हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने याद की हैं, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से किसी और सहाबी को यह शरफ हासिल नहीं कि इतनी ज्यादा अहादीस उन्होंने याद करके उम्मत मुस्लिमा तक पहुंचाई। उम्मत मुस्लिमा के सबसे बड़े मुहद्दिस, मुहद्दिस आजम हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। तो अल्लाह पाक उनकी दुआ कबूल फरमा लिया, उनके हक में दुआ थी।
और हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हुई। आज अहादीस की कुतुब के अंदर सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायात जो अहादीस बयान करते हैं किताबें भरी पड़ी। जब उन्होंने देखा कि एक दुआ कबूल हो गई, दूसरी दुआ की ख्वाहिश हुई। जिस तरह के हमारे यहां भी होता है ना, बंदे को कोई एक चीज अच्छी मिल जाए तो दूसरे की ख्वाहिश पूर्ण होती है, ये भी मिल जाए। जब एक दुआ कबूल हो गई, उन्होंने आकर हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालदा मोमिन नहीं है और मेरी मां है लेकिन मुसलमान नहीं है, इस वजह से आपको बारे में बड़ी नजीबे बातें करती हैं, बड़ी बुरी गुफ्तगू करती हैं और मुझे आपसे मोहब्बत है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, मैं चाहता हूं कि मां से यह तकलीफ दे, मामला खत्म हो जाए, आप मेरी वालदा के हक में दुआ फरमा दे, अल्लाह तबारक तआला उनको ईमान की तौफीक, ईमान की दौलत अता फरमाते। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाया, दुआ की, या अल्लाह अबू हुरैरा की वालदा को ईमान की दौलत से सरफराज फरमा। जब ये दुआ हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, अबू हुरैरा खुद फरमाते मैं घर की तरफ दौड़ा और ये सोच लेके दौड़ा कि देखता हूं कि पहले दुआ घर पहुंचती है या मैं घर पहुंचता हूं। फरमाते मैं घर गया, मैंने दरवाजे पे दस्तक दी तो दरवाजा ना खुला, तो अंदर पानी के गिरने की आवाज आ रही थी जिस तरह के कोई आदमी गुसल कर रहा, तो वालदा ने आवाज दी, ठहरो गुसल कर रही हूं, आती हूं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं ठहर गया, थोड़ी देर के बाद वालदा ने दरवाजा खोला, दरवाजा खोला तो मेरे सामने आई का अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वादाउला शरीक अला वाशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु रसूल। तो ये दुआओं की कबूलियत है। अल्लाह तबारक व तआला वक्त के पैगंबर की दुआओं को कबूल फरमाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े खुश हुए कि दो दुआएं कबूल हो गई, अब तीसरी की ख्वाहिश हुई। अम्मी को साथ दिया, फौरन ले आए हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वालदा को अल्लाह तबारक तआला ने ईमान की दौलत से सरफराज फरमा दिया है, या अल्लाह एक और दुआ की ख्वाहिश है वो फरमा दे, वो भी कबूल हो जाए। फरमाया क्या? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूं मेरे बारे में और मेरी वालदा के बारे में लोगों के दिलों में अकीदत बैठ जाए, लोग हमारे मोतकिद हो जाए, हमारे बारे में अच्छी राय रखने लगे। आपने ये भी दुआ कर दी। रिवायात में आता है कि दूर दराज के इलाकों से लोग हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनकी वालदा से अकीदत की वजह से जो है वो मिलने के लिए आते और दुआएं करवाया करते थे। ये वक्त के पैगंबर की दुआएं हैं जो अपनी उम्मत के हक में अल्लाह पाक कबूल फरमाते हैं। अल्लाहु अकबर। वक्त के पैगंबर दुआएं करे कबूल कैसे ना हो? एक मरतबा हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा का खुतबा दे रहे थे, अरबी खुतबा, खड़े हुए खुतबा दे रहे थे। इसी दौरान एक सहाबी खड़ा हुआ और दरख्वास्त किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा तो बड़ा पड़ा हुआ, बारिश नहीं पड़ रही,
जिसकी वजह से हम भी भूखे मर रहे हैं, जानवर भी भूखे मर रहे हैं। बड़ी परेशानी है, अनाज नहीं है, ना जानवरों के लिए चारा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला बारिश नाज़िल फरमा दे। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमा दी कि अल्लाह बारिश नाज़िल फरमा। सहाबा किराम फरमाते हैं कि हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाई, जुमा की नमाज हुई, जब हम मस्जिद से जुमा की नमाज पढ़ के निकल रहे तो छम छम बारिश बरस रही थी। ये हुजूर की दुआएं हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत के हक में कबूल फरमाई है। और रिवायात में आते सारा हफ्ता बारिश होती रही। जुम्मा के दिन आपने दुआ फरमाई, सहाबा इकराम बारिश में भीगते हुए घर गए, पूरा हफ्ता बारिश होती रही। अगला जुम्मा आ गया, अगला जुम्मा आया, लोग फिर जुम्मा पढ़ने के लिए आए, हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर जुम्मे का खुतबा इरशाद फरमा। इसी दौरान फिर घर डूबने के करीब है और इतनी बारिश है कि अब हमारे लिए बर्दाश्त नहीं कि इससे ज्यादा बारिश को बर्दाश्त करें। अल्लाह पाक से दुआ फरमा दें कि या अल्लाह अब ये बारिश जो है रुक जाए। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अल्लाह हमारे ऊपर ना बरसे। इर्द गिर्द आपने इशारा फरमाया, इर्द गिर्द जहां जरूरत है वहां बरसे। आपने आंसू इशारा फरमाया। रिवायात में आता है, रिवायात में आता है कि आसमान पर हाला सा बन गया इस तरह, जिस तरह आपने हाथ घुमाया उधर बारिश नहीं होती थी, लेकिन इर्द गिर्द कई दिन तक बारिश होती रही। तो ये हुजूर की दुआएं हैं जो अपनी उम्मत के हक में कबूल हुई हैं। दुआएं, दुआ मोमिन का बहुत बड़ा हथियार है। हदीस पाक में आता है, अद्दुआ सिलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। अगर कोई बंदा अपने मकासद में कामयाबी चाहता है तो अल्लाह से दुआएं करे, और तकवा परहेजगारी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा दुआएं कबूल होंगी। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं कबूल हुई हैं। ताइफ में गए दीन की तबलीग के लिए, लेकिन वहां के लोगों ने दीन की हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को ना माना, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला भी कहा और उबास किस्म के लड़के आपके पीछे लगा दिए जो कई मील तक आपको पत्थर मारते रहे, आपके पीछे आवाजें कसते रहे। बड़ी तकलीफ दे हालत थे हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। जूते मुबारक रंगीन हो गए, खून जगह जगह से बहने लगा, पांव मुबारक भी सूज भी गए और जो है वो खून से भी रंगीन हो गए। हज़रत जिब्रील आए और आकर अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप फरमाएं ताइफ के इन उबाशों को हमेशा के लिए नेस्त और नाबूद कर दिया जाए। ताइफ की ये वादी दो पहाड़ों के दरमियान है, इस वादी को आपस में, पहाड़ों को आपस में मिला दिया जाए तो ये सारे के सारे पिस जाएंगे। आपने फरमाया, नहीं मैं ये नहीं चाहता, मैं अल्लाह से ये चाहता हूं, ये मांगता हूं कि इनकी नस्लों से आगे ईमान के तर्जमान पैदा हो, इनकी नस्ल में मोमिन लोग पैदा हो। अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ को कबूल किया। वही ताइफ
जहां हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे गए थे, आज वही ताइफ जो है मुसलमानों के पास है, मुसलमानों के मराकज में से मरकज है। तो वक्त का पैगंबर उम्मत के हक में दुआएं करे, अल्लाह पाक कबूल फरमाते हैं। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं अपनी उम्मत के हक में कबूल हुई हैं, और अल्लाह तबारक व तआला ने सारी की सारी दुआओं को शर्फ कबूलियत अता फरमाया। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हालात कैसे ही क्यों ना हो, हमें अल्लाह तबारक व तआला से मांगना चाहिए। पिछले जुमा मैंने दुआ पर ही बात की थी कि बस औकात बंदा दुआएं मांगता है लेकिन समझता है कि मेरी दुआएं कबूल नहीं हुई, और अल्लाह पाक से शिकवे शुरू कर देता है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, मोमिन की दुआ कभी रद्द नहीं होती। हदीस पाक में आता है, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मोमिन बंदा जन्नत में जाएगा, अल्लाह पाक उसको जन्नत की नेमतें उसके आमाल से बढ़कर अता फरमाएंगे। तो वो हैरान होगा, मेरे इतने आमाल तो नहीं है, इतनी इजाफी नेमतें किस वजह से। अल्लाह पाक से दरख्वास्त करेगा, अर्ज करेगा, या अल्लाह, या बारी ताला, ये इतनी नेमतें जो इजाफी हैं ये किस वजह से हैं। अल्लाह पाक फरमाएंगे, दुनिया में जो दुआएं किया करता था और तू समझते था तेरी दुआएं बेकार गई, मैंने इन दुआओं को कबूल कर लिया था लेकिन जो तू मांगते था वो नहीं दिया, उन दुआओं को तेरे लिए आखिरत का जखीरा बना दिया। आज जो इजाफी नेमतें जन्नत की तुझे नजर आ रही हैं, ये तेरी उन दुआओं का सिला है जो तू दुनिया में मांगता रहा। मेरी हिकमत थी कि तूने जो मांगा मैंने ना दिया, लेकिन तेरी दुआओं को मैंने जाया नहीं किया, ये उन दुआओं का बदला है जो तुझे मिल रहा है। मोमन बंदा जब जन्नत की उन नेमतों को देखेगा तो ख्वाहिश करेगा, हाय काश के दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ही ना हुई होती, आज सारी की सारी दुआओं का सिला जन्नत में नजर आता। मेरे भाइयों, बंदे का काम अल्लाह से मांगना है। अल्लाह पाक फरमाते, उजीब दावत दाई इदा दानी, मैं दुआ करने वाले की दुआ को सुनता हूं, कबूल करता हूं जब वो मुझसे मांगता है। अल्लाह पाक को इख्तियार है, इख्तियार है बंदे को, अल्लाह तबारक तआला से मांगे ऊंची मांगे या आहिस्ता मांगे। कैफियत होती है, बस औकात बंदा अल्लाह से मांगता है बड़ी ऊंची ऊंची मांग रहा होता है, दूसरे भी सुन रहे होते हैं, और बस औकात बंदा आहिस्ता मांग रहा होता है। कबूलियत के लिए ऊंची आवाज से ज्यादा जोर लगाना जरूरी नहीं। एक सहाबी आए, हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा रब बाईद है, फनु नादी, कि मैं उसको ऊंची आवाज से पुकारूं, या करीब है, फनु नाजी, कि मैं उससे राजो न्याज करूं, आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह से मांगो। कुरान करीम के आयात उतर आई, फरमाया, वाइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीम, जब मेरे बंदा मेरे बारे में पूछे तो कह दो फइन्नी करीम, मैं तो उसके बहुत करीब हूं। लिहाजा बहुत जोर जोर लगा के भी मांगने की जरूरत नहीं, आहिस्ता भी मांगो, अल्लाह फिर भी दुआएं कबूल करता है। दूसरी का फरमाया, फनहु अक्रबु इलैही मिन हब्लिल वरीद, फरमाए हम तो बंदे की शारक से ज्यादा करीब है उसके। शारक ये सांस की नाली जैसी सब इंसान की जान जुड़ी, फरमाए इससे भी ज्यादा करीब है। अब जो जात इससे भी ज्यादा करीब हो, मेरे भाइयों, दुआओं को कैसे ना सुनेगी और कबूल कैसे ना करेगी। अल्लाह पाक ने बिन मांगी हमें बेशुमार नेमतें अता कर रखी हैं। हमने कौन सा अल्लाह से दो आंखें मांगी थी, या अल्लाह हमें दो आंखें दे दुनिया में फिर बेच, ये सही सलामत दो हाथ दे,
सूंघने के लिए अल्लाह नाक दे, हाँ जी चलने के लिए पांव दे, या अल्लाह हजम के लिए मैदा दे। ये सारी की सारी नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने बिन मांगे हमें अता की हैं। अगर मांगेंगे फिर अल्लाह तबारक तआला क्यों ना देंगे। दुनिया में कोई बंदा अपने किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से, किसी चाहने वाले से कोई चीज मांगता है, आम तौर पर वो उसको शर्म आती है, हया आती है कि भाई ये बंदा मुझसे अगर मांगने के लिए आया है, मुझे इस काबिल समझा है कि मैं इसे कुछ दे सकता हूं, तो कुछ ना कुछ उसकी मदद करता है, देता है। अल्लाह क्यों ना देगा। उस बंदे को मांगना आना चाहिए, मांगना आना चाहिए। अल्लाह तबारक तआला से मांगना कैसे है। जब बंदा अल्लाह से मांगे, आजी और इनकसारी के साथ मांगे, तवज्जो के साथ मांगे, आजी होगी तो अल्लाह तबारक तआला आजी को देखकर जरूर अता करेंगे। खैर मैं बात अर्ज कर रहा था, सीरत तैयबा के बहुत से पहलू हैं। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत, इसके बहुत शोबे हैं। जिस पहलू को, जिस शोबे को ले लो, अपनी जगह बेमिसाल है और उम्मत के लिए बेहतरीन नमूना। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मांग कर दिखाया कि हम लोगों को अल्लाह से मांगना कैसे है। बंदे में जब आजिज़ इंकसारी होगी, अल्लाह तबारक तआला दुआओं को कबूल करेंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी ज़ात में और अपनी बारगाह में मांगने की तौफीक अता फरमाए, और जो हम अल्लाह से मांगें अल्लाह तबारक तआला शफ़े कबूलियत अता फरमाए। अल्लाह तबारक तआला हमें सही मानों में अल्लाह तबारक तआला की ज़ात अक़दस को राज़ी करने की तौफीक अता फरमाए। वा आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।